मैं टीचर अनिता, आपकी हिंदी टीचर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर वर्ड से जेंडर। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। छोटे क्लास में समझने के लिए, हर चीज के लिए जेंडर है, आप समझ लें। लिंग जैसे हम कहते हैं, तो बड़ी क्लासेज में हम कहते हैं स्त्री लिंग और पुल्लिंग। छोटी क्लास में हम आपको बताते हैं मेल फीमेल इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए स्त्री पुरुष, स्त्री मीन्स वुमेन और पुरुष मीन्स मैन। तो ये आपके लिए आसान होता है। और छोटी क्लास में बॉय और गर्ल्स हम लोग बता देते हैं, क्योंकि जब आप क्लास में रहते हैं तो आप हमें देख करके या एक्सप्लेन करने से आप समझ जाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अभी आप घर में हैं, इसलिए छोटी छोटी बारीकियों को देखने के लिए मैंने कुछ लिख रखा है। जबकि आप क्लास में होते हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार मैं पहले इसको पढ़ के बताऊं, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाउन, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष, पुरुष मीन्स मैंने बताया मैन, लड़का बॉय, इंग्लिश में हम मेल और बॉय लिखा हुआ, या स्त्री और लड़की दोनों डॉट डाल के लिखा हुआ, कि आप छोटे हैं तो आप ये समझ पाए कि स्त्री या लड़की, मेल या फीमेल, सॉरी फीमेल या गर्ल्स होने का पता चले, उसे लिंग या जेंडर कहते हैं। इसे पुलिंग और स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो हम लोग मेल और फीमेल ना लिख करके स्त्रीलिंग और पुलिंग लिखते हैं, और वही आगे क्लासेस में चलते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पुलिंग, मैंने यहाँ एक बॉय का फोटो लगाया है, स्त्रीलिंग में यहाँ एक गर्ल का फोटो लगाया है। बहुत आसान सी चीज़ है, आप रोज देखते हैं समाज में, घर में, बाहर, हर जगह इसे हम यूज करते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए, सिर्फ बताना जरूरी होता है। तो मैं शुरू करती हूँ कि आपको सबसे आसान चीज से, आपके क्लास के बच्चा और बच्ची, तो मैंने यहाँ आप समझ जाइए ये फर्स्ट रो पुलिंग मीन्स बॉयज के लिए, और ये सेकंड रो गर्ल्स स्त्रीलिंग के लिए। चूंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैं ऊपर अगर हेडिंग लिखूंगी तो आपके पास वर्ड्स कम आएंगे। तो पहले मैं लिखती हूँ बच्चा, बच्चा यहाँ उसका हो जाएगा फीमेल, वहां जाएगा बच्ची। घर में मदर फादर, पिता, फादर मीन्स पिता और मदर मीन्स माँ। फिर ब्रदर सिस्टर, आज ब्रदर सिस्टर, तो भाई बहन। फिर हम चलते हैं रिलेशनशिप के, दादा दादी, नाना नानी। दादा कहते हैं फादर के फादर को, और दादी कहते हैं फादर की मदर को। नाना मीन्स भी होता है ग्रैंडफादर ही, बट नाना कहते हैं मदर के फादर को, और नानी कहते हैं मदर के मदर को। आप अंकल आंटी कहते हैं तो चाचा चाची, चाचा मीन्स अंकल, आप ऐसे बोलते तो हैं लेकिन फादर के ब्रदर। मामा को भी आप इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, मामा कहते हैं मदर के ब्रदर को, और उनकी वाइफ को मामी। लड़का लड़की, जो कि आपको हेडिंग मैंने भी बताया था, लड़का लड़की। बेटा, बेटा मीन्स सन, बेटी मीन्स डॉटर। साइड का इधर लिखना है और सेकंड साइड का इधर लिखना है।
शिक्षक मीन्स होता है टीचर, और शिक्षिका मीन्स होता है फीमेल टीचर। फिर अध्यापक आपने सुना होगा, अध्यापक मीन्स भी टीचर, मेल टीचर, और अध्यापिका मीन्स फीमेल टीचर। नौकर एक ऐसा शब्द है जो कि मैंने बहुत पहले कभी किसी क्लास में पूछा था, बहुत साल हो गए, नौकर का हो जाएगा नौकरानी। कुत्ता कुतिया, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड छोटा होने को इसमें पूरा लिख नहीं पा रही हूँ। मुर्गा मुर्गी के बाद यहाँ कंटिन्यू कर दो, मोर मोरनी, पड़ोसी पड़ोसन, सेठ सेठानी, धोबी धोबी मीन्स कपड़े धोने वाले, लाउंड्री वाले जिसे बोलते हैं उसे कहते हैं धोबी, धोबी धोबी धोबी, माली गार्डनर, माली। आपने देखा कि आपको यहाँ लिखना है पुलिंग और यहाँ लिखना है स्त्रीलिंग। मीनिंग ऑलमोस्ट आपको सबको पता है, ये इजी मीनिंग है। शिक्षक मीन्स टीचर, अध्यापक मीन्स ऑल्सो टीचर, मेल टीचर और फीमेल टीचर। कुत्ता मुर्गा आप जानते हैं, मोर आप जानते हैं, पड़ोसी मीन्स नेबर, सेठ मीन्स धोबी, माली माली धोबी मीन्स कपड़े धोने वाला, और माली मीन्स गार्डनर। तो ऑलमोस्ट लगभग हर चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की, एनिमल्स और बर्ड और प्रोफेशन और रिलेशनशिप सबको, छोटी छोटी सी चीजें आगे मैं आपको क्लास और होमवर्क में बता दूंगी। अच्छा मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आसान भी है, आप जल्दी कर सकते हैं। धन्यवाद।